बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन जितने पॉपुलर हैं अपनी फिल्मों को लेकर, उतने ही उनका नाम कंट्रोवर्सीज में भी शामिल हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो एक समय था जब अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द खूब सारी कंट्रोवर्सी इकट्ठा हो गई थी। बिग बी पर कई आरोप भी लगे थे। ऐसी कंट्रोवर्सीज पर अमिताभ बच्चन ने एक शो में बात की थी और कहा था कि अगर उन पर लगे आरोप सही साबित हो जाते हैं तो वो जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें, पुराने इंटरव्यू में अपना नाम जमीनी विवाद में फंसने पर उन्होंने बात की थी। तब बिग बी ने कहा था कि अगर उन्हें गलत साबित कर दिया जाता है तो वो जेल भी जाने के लिए तैयार है। इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन से कंट्रोवर्शियल आरोपों को लेकर भी बात की गई थी, जिन पर बिग बी ने कहा, जब आप ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां आपके पैदा होने के दिन से आपको सेलिब्रिटी समझा जाता है, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं एक पब्लिक फिगर के तौर पर पैदा हुआ। मेरे पिता हिंदी साहित्य दुनिया के जाने माने शख्स थे और मैं जहां भी जाता हूं तो मुझे मिस्टर बच्चन के बेटे के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे माहौल में बड़े हुए हैं जहां हमें पता था कि चीजें कैसी चलती हैं। लोग बात करते हैं, ताना मारते हैं, लेकिन ठीक है, ये हमारी जिंदगी है, ये इनका एक हिस्सा है। सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर होने के साथ ही ये भी आता है। अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा कि वो अपने बेटे से भी यही कहते हैं कि अपनी जिंदगी में जो चाहे वो करो, लेकिन पहले एक अच्छे इंसान जरूर बनो। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत। सत्ता के वादों की जमीनी पड़ता, गरीबों पर कितना मेहरबान सरकार, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर उठ रहे सवाल, विपक्ष का सत्ता पर वार, सियासत में आया भूचाल, देखिए कितना बदला प्रदेश।